नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। अमृतकाल में गुलामी की मानसिकता से बाहर आने के क्रम में मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक फैसला आया है। फैसला ये है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति के आधिकारिक घर राष्ट्रपति भवन के बगीचों को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में एक सामान्य नाम दिया गया है। मुगल गार्डन कहने वाले पुराने सड़क चिन्हों को हटा दिया गया और एक बुलडोजर में ले जाया गया। यह फैसला शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप आया। भारत सरकार की आजादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। रिपोर्टों के अनुसार नया नाम बदला गया। उद्यान का उद्घाटन 29 जनवरी यानी आज रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में मुगल और पर्सिया उद्यानों से प्रेरित 3 उद्यान है। उस समय के सरकार ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में इसी नाम के एक बगीचे से प्रेरित होकर इसे मुगल गार्डन कहना शुरू कर दिया। आप जानकर हैरान होंगे कि इस मुगल गार्डन को मुगलों ने नहीं बनाया था बल्कि ब्रिटिश बनाया था, लेकिन इसकी संरचना मुगलों की तरह थी इसलिए इसे मुगल गार्डन कहा जाने लगा। अपनी सुंदरता के लिए चर्चित इस उद्यान को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ पर 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूलों की प्रजातियां हैं। इन फूलों को खिलने से ऐसा लगता है जैसे फूलों की कारपेट बिछा दी गई है। इस साल ये उद्यान आम जनता के लिए 31 जनवरी से खोला जाएगा। मुगल गार्डन आमतौर पर हर साल 1 महीने के लिए जनता के दर्शन के लिए खोला जाता है। आगंतुकों को आयताकार, लंबे और गोलाकार उद्यान, हर्बल उद्यान, संगीत उद्यान और आध्यात्मिक उद्यान देखने को मिलते हैं। ये सभी इसे मिलकर के मुगल उद्यान बनाते थे, जो कि अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि उद्यान नई दिल्ली के वास्तुकार सर एडविन लुटियंस के दिमाग की उपज था, लेकिन वास्तव में डिजाइनर बागवानी के निदेशक विलियम मस्टो थे जिन्होंने नवनिर्मित वायसराउस हाउस में इस पर काम किया था। लुटियंस और मस्टो ने बागवानी की 2 अलग अलग परंपराओं को एक साथ प्रदर्शित करने पर सहमति जताने से पहले लंबी चर्चा की थी। ग्रैंड मुगल पार्क और इंग्लिश फ्लावर गार्डन और मुस्टो को मुगल गार्डन बनाने की पूरी आजादी दी गई थी। बगीचे में आपको एक इंटरनेशनल टेस्ट आता है। नीदरलैंड से ट्यूलिप, ब्राजील के ऑर्किड, चेरी ब्लॉसम्स और जापान से मिश्रित मौसमी फूल और चीन से पानी के लीली और अन्य प्रकार के कई फूल हैं। वे मुगल नहरों, छतों के साथ साथ मुगल डिजाइन के ज्यामितीय बिस्तरों के बीच खिलते हैं। सभी सम्मिश्रण यूरोपीय फूलों की क्यारियों, लॉन और हेजेज के साथ कलात्मक रूप से सम्मिश्रण करते हैं। मुगल गार्डन की एक प्रमुख विशेषता है, मुगल गार्डन में राष्ट्रपति के देखरेख में 159 से ज्यादा किस्म की गुलाब उगाई जाती है। इनमें अडोरा, मृणालिनी, ताजमहल, एफी टावल, मॉडर्न आर्ट, ब्लैक लेडी, पैराडाइज, ब्लू मनी और लेडी एक्स शामिल है। गुलाब का नाम है मदर टेरेसा, राजा राम मोहन राय, जॉन एफ कैनेडी, क्वीन एलिजाबेथ और जैसे कई बड़े बड़े आइकॉन के नाम पे रखा गया है। मुगल गार्डन को और भी बेहतर और मनमोहक बनाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने हार्बर गार्डन, नेत्रहीनों के लिए टेक्सटाइल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन, बायोफ्यूल पार्क और आध्यात्मिक और पोषण उद्यान विकसित किए। उनके पास बगीचे के विस्तार पर स्थापित 2 संरचनाएं थिंकिंग हट और अमर हट भी थी। उन्होंने वहां अपने दोस्तों के साथ खूब विचार विमर्श किया और अपने अधिकांश पुस्तक इंडोमिटेबल स्पिरिट भी वहीं लिखी। अन्य राष्ट्रपतियों ने भी उस उद्यान में काफी काम किया है अपना। 1998 में K.R. नारायणन ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट को स्टेट में भूजल रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने के लिए कहा। मोदी सरकार बनने के बाद से ही 2019 में हिंदू महासभा ने भारत के पहले राष्ट्रपति के नाम पर मुगल गार्डन का नाम बदलकर राजेंद्र प्रसाद उद्यान करने की मांग की थी। तब मांग नहीं मानी गई, लेकिन अब लुटियंस दिल्ली के लैंडमार्क को नया नाम मिल गया है जो कि अमृत उद्यान है। देश में घुसपैठ करके लाखों हिंदुओं को मारने वाले मुगलों के नाम पर राष्ट्रपति भवन के बगीचे का नाम रखा हुआ था। खुशी की बात है कि आज वो नाम मुगल गार्डन से अमृत उद्यान हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि इस फैसले के लिए भारत को कई साल लग गए। 75 साल से भी अधिक भारत को लग गए इस नाम को बदलने के लिए। हमारी गुलाम मानसिकता हटती ही नहीं है, चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें, लेकिन मोदी सरकार एक एक करके नामों को बदल रही है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है और भारत की जो मानसिकता है, जो गुलाम मानसिकता है, उसके ऊपर कठोराघात है और ये कठोराघात होना ही चाहिए और हम निकल के अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने सभ्यता के बारे में सीखे। यही चीज तो हमें सीखना चाहिए हर किसी से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।